नमस्कार, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे शब्दों के भेद में क्रिया विशेषण अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो अव्यय अपनी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज हम जीत जाएंगे, लड़का दूर खड़ा था, छात्र धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने अधिक पढ़ाई की। इन वाक्यों में आज, दूर, धीरे धीरे, अधिक, यह अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर, दूसरा, रूप के आधार पर और तीसरा, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। एक, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है। समयवाचक, अवधिवाचक और पौनःपुन्यवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो भेद है। स्थितिवाचक, दिशावाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पांच भेद है। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के नौ भेद है। आकस्मिकतात्मक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, स्वीकारात्मक, कारणात्मक, निषेधात्मक, अवधारक, निष्कर्ष और आवृत्त्यात्मक। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद हैं। यह हमने अभी देखा, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्ययों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अब मेरा क्या होगा, शाम घर जल्दी आना, वह मित्र कहाँ गया। इन वाक्यों में अब, जल्दी, वह, यह अव्यय स्वतंत्र रूप से आए हैं, इसीलिए यह अव्यय साधारण क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जहां पर अब स्कूल है वहां मेरा घर था, यहां बैठ जाओ वहां पर धूल है, जब तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे तब मैं साइकिल दिलाऊंगा। इन वाक्यों में जहां, यहां, जब इन अव्ययों का संबंध उपवाक्यों के साथ आया है, इसीलिए यह अव्यय संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। जिन अव्यय का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ किया जाता है उन्हें अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय कहते
कहते हैं। जैसे तुम शाम तक घर जाओ, तुम्हारे आने भर की देरी है, तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो। इन वाक्यों में तक, भर, भी इन अव्ययों का प्रयोग निश्चय के लिए किया गया है, इसलिए यह अव्यय अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय है। अगले वीडियो में हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखेंगे। धन्यवाद।